नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूपी की सियासत में वो होता है जो कहीं भी नहीं होता। यहां हिंदुत्व की राजनीति से लेकर बयानों की जंग पूरे देश में अलग पहचान रखती है और बात जब एक समाजवादी के बीच और एक महंत के बीच सियासी मैदान में हो तो तर्कश से ऐसे तीर निकलते हैं जो सुर्खियां बन जाते हैं। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। यही वजह है कि यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और वही नहीं, अखिलेश यादव भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। वहीं एक बार फिर दोनों के बीच हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने तो महंतों को ही माफिया कह डाला तो आज सीएम योगी ने भी उनको मुंहतोड़ जवाब देकर कह दिया है कि अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था जिसके बाद अब फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम ने खुद इस बात का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। सीएम ने सपा चीफ के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल और अखिलेश के संदर्भ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी लूटने के लिए आई है। इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, जनता का भरोसा तोड़ा है जैसे भस्मासुर ने किया था। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते थे, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ चुकी है। उस पर सपा सरकार में माफियाओं का बोलबाला था और ये साधुओं को महंतों को माफिया कहते हैं। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनिए। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे और इन्हीं के कारण केराना जैसी घटनाएं घटित हुई। केराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में, युवाओं के सपने में रोड़ा पन्ने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। सपा मुखिया के माफिया और मठाधीश को एक जैसा बताने को लेकर साधु संतों के बाद अब भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। वही लोग इसे अखिलेश यादव की राजनीति मान रहे हैं।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच हो रही बयानबाजी की वजह से लखनऊ और पूरे प्रदेश का सियासी माहौल निश्चित रूप से काफी गर्म हो गया है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।